हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। आज हम लोग बात करने वाले हैं गेस्ट टेस्टिंग वीडियो सीरीज का एक और वीडियो यानी दसवां वीडियो के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने नॉवल वीडियो ऑलरेडी बना चुका है, जो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इसका टॉपिक है एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग क्या होता है और उसका डिज़ाइन। तो आज इस टॉपिक के साथ हम लोग का दो चैप्टर खत्म हो जाएगा, 10 चैप्टर गेस्ट टेस्टिंग सिलेबस का। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग थर्ड डिग्री की गैसी माइंस में हर आइसोलेशन स्टॉपिंग की जगह एक्सप्लोजन प्रूफ यानी विस्फोट रोधी स्टॉपिंग बनाया जाता है। हर डिफ्लेयरिंग एरिया घेरने में, आग लगे पैनल को सील करने में, ओल्ड वर्किंग को आइसोलेट करने के लिए इसको बनाया जाता है। थर्ड डिग्री माइंस में गर्म गैस से आग लगने से विस्फोट को रोकने के लिए एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग बनाया जाता है। वहीं 1 डिग्री और 2 डिग्री माइंस में पैनल सील करने के बाद सैंपल लेने पे अगर गर्म गैस का परसेंटेज 2% से ज़्यादा होता है तो वहाँ पर भी एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग बनाया जाता है यानी विस्फोट रोधी स्टॉपिंग बनाया जाता है। बात करते हैं एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग के डिज़ाइन के बारे में, बनावट के बारे में। तो एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग बनाने के लिए ईंट सीमेंट या ईंट चूने की 1 मीटर मोटी 2 स्टॉपिंग की दीवार बनाई जाती है, जिसके बीच की दूरी 4.5 मीटर होती है। बीच में जो 4.5 मीटर का गैप रहता है उसमें इनफ्लेमेबल यानी अज्वलनशील पदार्थ से बालू गिट्टी ये सब भर दिया जाता है। और साथ ही दोनों स्टॉपिंग का रूफ पिलर फ्लोर में खांजा काट कर बनाई जाती है। खांजा कोयले में 1 मीटर, सील पत्थर में 30 सेंटीमीटर और सैंड स्टोन के पत्थर में 15 सेंटीमीटर तक काट के बनाई जाती है ताकि अच्छे से फिटिंग हो, पैक रहे। हवा का लीकेज रोकने के लिए प्लास्तरा कर दिया जाता है, नंबर प्लेट लगा दिया जाता है। जिस स्टॉपिंग के पीछे पानी भरने की संभावना है उसमें वाटर सील बनाया जाता है ताकि पानी बाहर निकलता रहे परंतु गैस हवा में लीक ना करे। सैंपल लेने के लिए सैंपल पाइप लगाया जाता है जो अंदर की तरफ कम से कम 3 मीटर तक निकला रहे। 2 डिग्री 3 डिग्री सीम के ओल्ड वर्किंग में इस सिस्टम के तहत 45 सेंटीमीटर डायमीटर का पाइप लगाकर उसके मुंह पर वाल्व लगा देते हैं। इनटेक व रिटर्न रास्ते में दोनों तरफ एक एक स्टॉपिंग डोर बना दिया जाता है ताकि वेंटिलेशन के लिए सुविधा जरूरत पड़े तब तो जाकर उसका चेकिंग किया जा सके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टिल देन, जय हिंद।